सिकुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी को वृंदावन धाम से राधे राधे। तो आज है नेक्स्ट डे, हम आ चुके हैं वृंदावन धाम हमारे प्यारे से लड्डू बाबू, हमारे गोलू बाबू के साथ। तो गोलू बाबू के साथ आने का यात्रा वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप चाहिए पेज में ही आपको मिल जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गोलू बाबू का दिनचर्या। आप सभी बोलते हो जो लड्डू बाबू को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। कोई कष्ट भी नहीं है, और अगर आप लेके आ रहे हो तो उनका सेवा भी बहुत आनंदमय पूर्वक हो जाते हैं। चलिए किस तरह से होता है उनका सेवा दिखाते हैं। जैसे सुबह उठ जाते हैं गोलू बाबू, उसके बाद सभी बच्चों को हम मुँह वगैरह पोंछ देते हैं, उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट का भोग लगा के जल निवेदन करके आरती कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो आज आ गए सबसे पहले हम मदन मोहन जी मंदिर। जैसे आपको पता है मदन मोहन जी के बारे में, तो इधर हमें छोटा सा लड्डू गोपाल भी मिल गए। अपने बाबा के साथ आए थे परिक्रमा लगाने के लिए, बहुत सुंदर सा क्यूट सा गोपाल बाबू थे। तो अभी लगभग 8:15 हो चुके हैं, 8:30 श्रृंगार आरती चालू हो जाएंगे, तो हम श्रृंगार आरती अटेंड करेंगे। और जैसे पता है सभी को, जो इधर वीडियो एंड जो फोटो है वो लेना मना है, तो हम दूर से ही आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन भी करवाएंगे। अगर आपको दर्शन मिले तो ये मदन मोहन जी का कृपा है। देखिए मैंने दूर से दिखाया, पहले मैं पूछी उनको तो उन्होंने बोला दूर से दिखा सकते हैं क्योंकि सामने से दिखाना मना है। और ये जो मंदिर में आप बाबू को देख रहे हैं क्यूट सा गोपाल बाबू, ये भजन कुटिया का बाबू है, जहाँ पे सनातन गोस्वामी बैठ के भजन करते थे अनंत राधा नाम की, कृष्ण नाम के, और हमारे मदन मोहन जी उनके पास में बैठ के सुनते थे। तो ये वही जगह है जो भजन कुटिया बोल के नाम से जाना जाता है। चलिए अभी हम इधर परिक्रमा लगाएंगे, और इधर जल का भी व्यवस्था है, तो गर्मी बहुत है, जो भी भक्त आ रहे हैं जल पी रहे हैं। उसके बाद फिर हम आ गए हमारे प्यारे से भक्त मीराबाई के मंदिर में। तो एंटर होते ही एक बाबा है, बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं। उसके बाद फिर हम हमारे प्यारे से मीराबाई के घर पे आ गए हैं, मतलब उनके महल पे। तो ये उन्होंने ये जगह जो है वो उन्होंने भजन किया था इधर बैठ के। उन्होंने जब आ गए थे राजस्थान से, तो उन्होंने आके अपने भजन जो है संपन्न किया था किधर ही बैठ के। तो इधर सबसे पहले, हाँ अभी मंदिर तो बंद है क्योंकि श्रृंगार आरती करने के बाद मंदिर बंद किया जाता है, उसके बाद फिर दर्शन दिया जाता है। तो 5 मिनट टाइम लगेगा हमें बोला गया, तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है उनका नज़ारा। क्या मैं बोलूँ, इतना ठंडक है, इतना शीतलता है, जैसे लग रहा था जो इधर बैठी रहूँ और अनंत नाम सुनती रहूँ। इतना सुंदर सुंदर भजन हो रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे और भजन कर रहे थे। आइए मंदिर का पट खोल गए, हरी बोल। आइए हम मिलेंगे अभी मीरा के गिरिधर गोपाल से। बहुत सुंदर सा छवि है इनका, नज़दीक से दिखाती हूँ, थोड़ा सा खोलने दीजिए। तो ये देखिए मीरा के तो गिरिधर गोपाल, और इधर जो बाजू में बैठे हैं आप एक शालिग्राम जी को देख पा रहे हैं। ये वो ही शालिग्राम है जहाँ पे मीरा जी को मारने के लिए सांप भेजा गया था और सांप बन गए थे शालिग्राम। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं उतना नहीं जा रही हूँ, मैं सब छोटा छोटा करके आपको बता रही हूँ। और इधर मीरा जी के गिरिधर के सोने का शयन कक्ष, बहुत सुंदर सा सजावट है। आइए अभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बैठ के मीरा ने अपने गिरिधर गोपाल को प्राप्त किया था, वो है ये जगह भजन स्थान, जहाँ पे मीराबाई बैठ के हमेशा अपने गिरिधर गोपाल को बुलाते थे और उनको प्यारे से भजन सुनाते थे। तो ये वही जगह है, और इधर बहुत जन आ रहे हैं। इधर खंजनी जो बोलते हैं ना, मतलब करताल, वो लगा हुआ है, आप आके इधर भजन भी कर सकते। चलिए गाइड बाबू से कुछ सुनते हैं। इस मंत्र का उच्चारण किया और द्वारका दी, जहाँ पे बोलते चार धामों में आता है माँ मैया भगवती की सेवा की थी, लेकिन मैया ने जो भजन किया जहाँ पता चले लेके गई है, तो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा कोई स्थान नहीं है। जो भी आपको एक काम करना है, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा कोई ऐसा मन बुझे हुए रमन बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के जय हो जय हो। ठाकुर रमन बिहारी, आप थोड़ी दिला का मैं तो समझेंगे।
तो भजन करने के बाद फिर हम आ गए श्याम सुंदर मंदिर में, और इधर मोबाइल स्ट्रिक्टली बंद है, तो चलिए बंद कर देते हैं मोबाइल को। मिलते हैं गोलू बाबू के साथ आश्रम में। तभी हम आश्रम पहुंच गए, गोलू बाबू का भोजन भी हो गए। तो आज गोलू बाबू पूरी और सब्जी खाए हैं, क्योंकि गोलू बाबू अभी जा रहे हैं श्रृंगार करने के लिए। तो गोलू बाबू रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और साथ में कृष्णु रानी और जा रहे हैं हमारे छोटे गोपू बाबू। तो ये तीनों जा रहे हैं गोलू बाबू को छोड़ने और अपना श्रृंगार भी करना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा हमारे आश्रम का नज़ारा। तो ये है हमारे आश्रम का नज़ारा। तो इधर एक मंदिर है बहुत सुंदर सा श्याम सुंदर का, जहाँ पे मंदिर में मंगल आरती, दोपहर को भोग आरती और शाम को संध्या आरती वगैरह सब होते हैं। आप अटेंड भी कर सकते हो अगर इधर रुक रहे हो तो। बहुत सुंदर सा मंदिर है और बहुत सुंदर सा आश्रम है। ये आश्रम गौड़ी गोपाल जो आपने नाम सुना होगा अनिरुद्ध महाराज जी, तो उनके बाजू में ही है आनंद धाम करके। तो बहुत सुंदर सा आश्रम है, हमेशा हम इधर ही रुकते हैं। और गोलू बाबू पहुंच गए अपना श्रृंगार करवाने के लिए। और इधर ये जो है ये है अभिमन्यु भैया, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। इनके चैनल का नाम है वृंदा ब्रज आर्ट, जहाँ पे गोलू बाबू और हमारे सारे बच्चे श्रृंगार करवाते हैं, मतलब कलर करवाते हैं या मेकअप करवाते हैं। श्रृंगार सभी को पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं बोल दी कलर या मेकअप। तो गोलू बाबू पहुँच गए, रानी और कृष्णु भी पहुँच गए हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर सारे बाबू हैं। तो मैं थोड़ा सा बाबूओं को प्रेम कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बाबू हैं, सब श्रृंगार के लिए आते हैं। तो इधर कितने नन्नू नन्नू गोपाल बैठे हैं, और अभिमन्यु भैया जो है बहुत प्रेम करते हैं गोपाल जी से। उनका खुद का भी गोपाल है बहुत सारे, तो उन्होंने बहुत प्रेम करते हैं, और वो बहुत बड़े भक्त हैं हमारे प्यारे से राधा रानी के। और उनके गुरु है श्री प्रेमानंद महाराज जी। तो बहुत आनंद मिला उनसे मिलके और उनके मैया से मिलके, क्योंकि हम उनके घर पे गए थे, उनके जगह पे जहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे लड्डू बाबू का श्रृंगार करवा जाते हैं। बहुत सुंदर सा था, और उनके बहुत सारी बातें किए उनसे। और गोलू बाबू को तो देखिए इतना लाड़ लड़ाने लगे, ये अभिमन्यु भैया की दीदी है, तो उन्होंने भी इतना प्रेम करने लगा, क्या मैं बोलूँ। जो उनका एक बहुत सुंदर सा पोशाक का मतलब बनाते हैं उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा एक पोशाक बनाए थे, और आके ना कृष्णु को बोल गया बेटू देखो तो पहन के, और पहन के देखा तो इतना सुंदर लग रहे थे, मैं क्या बोलूँ। तो हमने ऑर्डर भी कर दिया। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उनको पूछूंगी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगी, ठीक है ना। बहुत सुंदर सुंदर पोशाक भी बनाते हैं। तो चलिए अब ये बात बीत करते करते ना हमने प्रसाद भी मिल गए ब्रजवासी के हाथों से। तो हमने उधर ठंडे ठंडे लस्सी पिया और घर आ गए। घर आके फिर हमारे गोपू बाबू और लड्डू बाबू को स्नान करवा दिया, क्योंकि गोलू बाबू का मेकअप करवाना था, इसलिए गोलू बाबू सब अंग वगैरह पोछ के चले गए, स्नान नहीं किया। क्योंकि मेकअप के लिए तो फिर स्नान करेंगे, फिर उनको कलर करेंगे, तो फिर रात को फिर आएंगे तो फिर उसको स्नान करवाना पड़ेगा इसलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो हमने बोला गोपू चलो बाहर स्नान करवाते हैं, क्योंकि लाइट चले गए थे थोड़े टाइम के लिए। तो गोपू आ चुके हैं, और देखिए हमारे गोपू बाबू को स्नान करने में कितना आनंद आ रहा है। और ये ना जल बिस्लेरी का ठंडा ठंडा मिलेगा, इसलिए मैं लेके आई। देखिए पॉसिबल तो नहीं होता है बाहर जाते तो बहुत सारे बर्तन वगैरह लेके, तो ये सब छोटा मोटा जो भी हाथों में मिलता है जो हम लेके कैरी कर सकते हैं वो सब जरूर ठाकुर जी के लिए लेके जाइए। तो ये मैंने एक बाटी जैसा लेके आई थी, इसमें खाना भी बन जाते थे, हमारे बाबू का स्नान भी हो जाते थे, और तुलसी पत्ता भी मिल रहे थे इधर। तो हमने 10 का तुलसी पत्ता लेके आ गए थे, और स्नान वगैरह करवा के फिर हमने ठाकुर जी के लिए भोग बना लिया। और इधर देखिए अचानक से वृष्टि आ गए थे, मतलब बारिश आ गए थे, बहुत सुंदर सा लगा हमें, क्योंकि ब्रज धाम में पहली बार हमें बारिश के आनंद मिला। जब एक एक बूंद गिर रहे थे ना, सयोनी तो बहुत खुश हो गए थे, और भी भैया जब वो बाहर के थे, मतलब और भी जो आए थे भक्त, वो सब भीगने लगे थे, और मैं भी थोड़ा सा भीग ली। जब एक एक बूंद आ रहे थे तो लग रहे थे हमारे कृष्ण आके हमें चूम रहे हैं, हमारे लड्डू बाबू चूम रहे हैं, हमारे श्रीमती राधा रानी इतने प्रेम बरसा रहे थे, तो वो आनंद अलग ही था। तो हमने ना चावल बना लिया था थोड़ा सा, वो मैं बाद में अगर पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगी। तो आज अभी मैं स्नान करवाने के बाद जल्दी जल्दी ठाकुर जी को कुरमुरे घी लगा और थोड़ा सा शक्कर मिला के खिला दिया, और उसके बाद फिर हम परिक्रमा करके आएंगे, और उसके बाद भोग लगाएंगे राधे राधे।